तुम रबिया से सच्चा मोहब्बत करता है? उसके साथ निकाह करने को तैयार है तू? वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा होगा अगर वो मेरी शरीक हयात बन जाए। दादी मैं निकाह कर रहा हूँ। क्या? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों में तालीम हासिल हो। अभी अल निकालना है क्या? मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, आज की रात ये सब बातें कर रहा हूँ। आज की रात तो बेहद हसीन रात है ना? बोलो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। आई लव यू। चाहिए आप से कट्टी। क्यों? आप मरने की बात क्यों करते हैं? फिक्र मत करो, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं मरूंगा। जब तक तुम पूरी तालीम हासिल नहीं कर लेती तब तक तो बिल्कुल नहीं। फिर तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? किट नहीं काइट। KITE काइट। आज भी फोन पर कोई नहीं मिला। बहुत फिक्र हो रही, इतने दिन हो गए अब्बू और दादी का कुछ पता नहीं। अब्बू अगर कहीं बाहर गए होते तो दादी हमें जरूर बताती। घर का फोन भी ठीक है, बेल जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। चलिए हम चलते हैं, हमारा भी बहुत मन कर रहा है आपके अब्बू से मुलाकात करने का। आप हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं कि इसलिए अब हमसे रहा नहीं जाता। हमारे अब्बू कह रहे थे कि आपके अब्बू से ज़रूर मिलना चाहिए, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, आमीन भी काफ़ी आगे तक सीख गया है, तो हमारे आने तक बच्चों को पढ़ाएगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, बच्चों की तालीम का काम मैं बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा बेटा हमें तुम्हारा इंतजार है। हाँ। और अमीन तुम, मैंने तुम्हें जिधर तक निशान लगा कर दिया उधर तक तुम सब बच्चों के साथ मिलकर काम करोगे। हर रोज सवेरे 1 घंटा और दोपहर में 1 घंटा, शाम को सब बच्चे अकेले अकेले पढ़ेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं
मुझे बेहद अफसोस है राबिया कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम्हारी मदद का कोई जरिया नहीं। हम क्या करें डॉक्टर साहब, शायद हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी को कैसे बचा सकते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। ना तो उनका हमारे पास कोई पता है और ना ही फोन नंबर। शाहिद की कोई फोटोग्राफ है आपके पास? शाहिद की? हाँ, अगर फोटोग्राफ है तो बात बन सकती है और अगर नहीं है तो यहाँ अस्पताल में फोटो खिंचवाई जा सकती है। पर पता नहीं इस फोटोग्राफ से उसकी पहचान हो सके ना हो सके। ए डॉक्टर साहब, हमारे बैग में हम जब पहली बार उनसे मिले थे तो उनके दोस्त ने खींची थी। एक काम कीजिए, आप वो फोटोग्राफ मुझे दीजिए। मेरा एक फ्रेंड जर्नलिस्ट है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, वो अखबार में शाहिद की स्टोरी छाप देगा और साथ में फोटोग्राफ भी। बहुत मुमकिन है कि शाहिद के वालदेन उस फोटोग्राफ को देखें और यहाँ हॉस्पिटल में आ जाएं। आपकी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, हम अभी लाके आपको देते हैं। हाँ, और आप हमारे शाहिद को बचा लीजिएगा, हम अभी लाते हैं। अरे अमित, क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद दिखे, खैरियत तो है? आदाब अंकल। आदाब आदाब जी अंकल, मैं तो आपसे पिछले कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था पर दरवाजे पर हमेशा ताला नजर आता था, क्या आप कहीं गए थे अंकल? अरे हाँ, वो मैं पिछले हफ्ते दुबई गया हुआ था और शाहिद की दादी जो है रिश्तेदारों के गई थी। पर अंकल, शाहिद की दादी ने शाहिद को ये बात नहीं बताई कि आप हिंदुस्तान में नहीं हैं? वो तो बहुत फिक्रमंद था कि आप उसकी शादी में नहीं आ पाए। शाहिद की शादी? जी अंकल। क्या कह रहे हो, उसकी शादी कब हुई? अभी 2 हफ्ते पहले तो उसने निकाह किया है। 2 हफ्ते पहले? पर 2 हफ्ते पहले तो मैं यही था। अंकल, शाहिद ने फोन पर दादी को सब कुछ बता दिया था कि वो निकाह कर रहा है। शाहिद इस वक्त है कहाँ? जी, वो बकर वालों के कबीले के साथ ऊपर पहाड़ों की तरफ निकला है। अब तो जब तक उसका कोई फोन नहीं आता अंकल, तब तक उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। बस इतनी सी बात बताने के लिए मैं आपके पास आया था। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान। चिल्ला क्यों रहे हो रहमान, हम बहरे नहीं। शाहिद ने आपको फोन पे इत्तला दी थी कि वो निकाह कर रहा है? हाँ, किया था फोन। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। आप जानती हैं वहां कितना परेशान है, 2 हफ्ते से हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसके निकाह में क्यों नहीं पहुंचे। तुम्हें उसके निकाह में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। अम्मी, शाहिद मेरा इकलौता बेटा है, आप अच्छी तरह जानती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, इतनी सी भी तकलीफ उसकी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने उसकी जिंदगी के बेहतरीन मौके पर मुझे शामिल होने से महरूम रखा। उस जैसे लड़के के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था, जो लड़का अपने खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम करने पर आमादा हो, जिसने शर्म होया बेच खाई हो, जिसे अपने घर वालों के ख्वाबों और उम्मीदों का ख्याल ना हो, उस लड़के के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए था। अम्मी, आपने जानती कि आपने क्या किया है और जो आप सोच रही ना, शाहिद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो अपने बाप का एक फरमा बरदार बेटा है। शाहिद को उस लड़की से मिलने, वहां जाने और उस लड़की से निकाह करने का मशविरा मैंने ही दिया था। हाँ,
राबिया, हम ये बताने आए हैं कि मेरे जर्नलिस्ट दोस्त से मेरी बात हो गई है। उसे मैंने शाहिद की पूरी तफसील दे दी है, साथ में तस्वीर भी दे दी है। उसने कहा है कि कल के अखबार में छप जाएगी। राबिया, अल्लाह से दुआ करो कि कल सुबह का अखबार शाहिद के अब्बा जरूर पढ़े। अल्लाह मेहरबान होगा, फिक्र मत करो। और हाँ, अगर पढ़ना आता है तो ये जो कहानी हमने लिखी है शाहिद मियाँ की, तुम्हारे कबीले के लिए उसकी तालीम की कोशिशों के बारे में, पढ़ लो। शाहिद रहमान की है, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो कि अक्सर इस उम्र के नौजवान सोच भी नहीं पाते। जम्मू कश्मीर के बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को तालीम याफ्ता करने के लिए इस नौजवान ने कबीले वालों के बीच में रहकर उनके साथ पहाड़ियों के ऊपर जाने और वहाँ से नीचे आने का फैसला किया, और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शाहिद रहमान ने बाकी ज़िंदगी उन लोगों के साथ रहने का फैसला किया। मगर अचानक जब अपने परिवार से मिलने के लिए नीचे की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट या खुदा। तुम्हें इनसे जो भी बात करनी है कर लो। शायद हम यहाँ हैं, बोलिए। तो अभी वादा कर कि तो ऐसा मत बोलिए शायद, ऐसा मत बोलिए। तुम्हारे कंधों पे छो
छोड़कर जाना चाहता है। लौटी औलाद थी और उससे आखिरी वक्त अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सका। शायद अल्लाह को ही नहीं सुना। राबिया के रूप में मुझे अल्लाह ने जीने का एक मकसद दिया है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूं। राबिया, मेरी बच्ची, मायूस मत हो, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। चलो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। शाहिद का घर तुम्हारा। राबिया, तेरे अब्बू आ गए, पानी लेके आना। अरे वे, राबिया तो कब की चली गई, तो अभी भी राबिया राबिया ही करती। क्या करूं, मुझे आदत ऐसी पड़ गई है। अब्बू, राबिया और शाहिद भाई कब आएंगे? मैंने सारे सबक पढ़ लिए, उन्हें याद भी कर लिया है। नए सबक तो शाहिद भाई आकर ही कराएंगे ना? हाँ बेटा, आके नए सबक करवाएंगे। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं उसी दिन तुझे वहां भेज के उसे बुला लेती। और मेरा बच्चा गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, हम तबाह हो गए। खुदावंद तुझे हम पर तरस ले आए ये सुनाते हुए। हम तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। मेरे शाहिद, मेरे बच्चे, तू हमें छोड़कर क्यों चले गया? सब्र करो, जो चला गया लौट के नहीं आ सकता। अम्मी, अम्मी, अब आप इस बच्ची का ख्याल कीजिए, इसका दुख कम करने में उसकी मदद कीजिए। अरे तू उसे हौसला बनाने की बात कर रहे, जो मेरे बच्चे को कहा गए
आते ही मार डाला उसने उसे। अगर ये यहाँ रहेगी ना तो और कायम उठाएगी। नहीं अम्मी, मैं ऐसे इस घर से निकल रही। अम्मी क्या करें? निकल रही यहाँ से। अम्मी छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ जा तो बीच में से। बैठ, बैठ। मुझे। आप यहाँ बैठी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आप जरा सोचिए, तो पहले इतने बड़े गम की मारी हुई है, उसके हालात पर रहम का ये। अम्मी उससे ऐसा कुछ मत कहिए कि उसको तकलीफ पहुंचे, ये गुनाह है। और जो भी अब इस दुनिया में उसका कौन रखा है हमारे सिवा? हेलो, सलाम वालेकुम, फतेह खान बोलता है। शायद मियां से बात करना चाहता है। हम राबिया के चाचा जान बोलते हैं। हेलो, 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 हेलो। मुआ चाचा बोल रहा था, मेरे पोते को खा गए, मेरे रहमान का घर तबाह कर दिया। इस लड़की से रिश्ता जोड़ा तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। अरे कुछ और कसर बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। चाचा भांजा सबको बुलाकर यही बिठा लो। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? शायद वो राबिया को गए तो बहुत दिन हो गए, अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। इस डेरे पे बैठे बैठे कितने दिन और इंतजार करें? कि वो गए तो ये रहा था कि हमारे अगले पड़ाव तक पहुंचने से पहले वो आ जाएगा। अल्लाह रहम करे। सोचता हूं कि एक बार दिल्ली जाके उन्हें देख ही आऊं मैं। आप ठीक कहते हैं, हमारे ख्याल से आपको जाना चाहिए। हमारा बच्चा पहली बार अपने ससुराल गए। भाईजान, आप अकेले मत जाना, भाभी जान को अपने साथ लेकर जाना। हमारा काफिला अभी जाने में वक्त लगेगा, तब तक तो आप लोग वापस आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? हम राबिया से मिलने आए हैं, हम माँ बाप हैं उसके। यहाँ कोई राबिया नहीं रहती। कौन है अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, हम शाहिद से मिलने आए हैं, वालदेन हैं हम राबिया के। अरे अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। अरे राबिया, राबिया, राबिया। वो यहां से चली गई है। कहां चली गई? मुझे क्या मालूम। अमित, शाहिद की मौत के बाद अगर राबिया को कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाहिद की मौत? शाहिद की मौत? क्या हुआ शाहिद को? मेरे बच्चे कहां है? मेरी बच्ची किधर है? राबिया किधर है? मेरी बच्ची राबिया, कहीं राबिया रास्ते में होगी। क्या हुआ है राबिया? अल्लाह, चलो उसे वापस भेज। जी हुजूर, शुक्रिया।